हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमारे किच को हम कलर का काम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई विशाल भाई ने तो स्टार्ट भी कर दिया, और आपको पता है यार हमारे विशाल भाई कलर में कितने एक्सपर्ट। विशाल भाई हेलो भाई, क्या चल रहा है भाई? कलरिंग का काम चल रहा है। और भाई आपको एक पता है यार, विशाल भाई को ना यार कलर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मतलब इसे कौन सा कलर कहाँ मिक्स करना है भाई को सारा चीज पता है भाई। अभी ये जो कलर वगैरह शेड है ना सारा हमारे विशाल भाई ने चूज किया है, और देखो यार कितना फ्रेश लग रहा है भाई हमारा के। और ये कलर का नेम क्या है विशाल? स्काई ब्लू। ओके जो भाई आसमान का कलर होता है ना वही कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे भी स्काई ब्लू आने वाला है, यहाँ पे भी स्काई ब्लू आने वाला है, यहाँ पे भी स्काई ब्लू आने वाला है। और जो हमारे कबूतर के जो हमने डरवे बनाए ना, ये सेम ऐसे रहने वाले भाई। इनको हम कोई हाथ भी नहीं लगाएंगे और कलर वगैरह कुछ नहीं देंगे देने वाले भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पेट है भाई नीचे रहने वाला है, तो उसको इसको कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव भाई तू इतने दिनों से गया कहाँ था भाई? मेरे एग्जाम चल रहे थे यार, कल ही खत्म हुई, इसीलिए मैं आज फ्री हो गया। अच्छा भाई, भाई कैसे गए भाई एग्जाम तुझे? अच्छे गए भाई एग्जाम, बहुत अच्छी। कैसा लगा भाई हमारा सेटअप? तू तो आता भी नहीं था यार, बहुत मतलब कुछ तो नया लग रहा है भाई। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आपको पता है यार सेटअप की सारी चीजें ना भाई मैंने खुद ने की, भाई ध्रुव भाई ने नहीं की भाई, क्योंकि इसके एग्जाम चल रही थी। क्या आ गया दोस्तों अभी हमारा स्प्रे कलर। स्प्रे कलर कहाँ आ रहा है विशाल? तू मतलब जितने भी रॉड है ना विशाल, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे व्हाइट कर देते भाई। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमने कैसे व्हाइट किए भाई, सारे के सारे जितने भी हमारे मतलब केज के रॉड है सारे व्हाइट होने वाले है। और पहले तो बता दू यार मैं सारा क्या क्या कौन सा कलर आने वाला है। विशाल जो कलर मार रहा है ना, ये स्प्रे कलर है ना भाई, ये सारे रॉड को आने वाली है। और ये जो नेट दिख रहे हैं ना दोस्तों, इस वाले नेट को हमें ना यार ऑयल पेंट जो ब्लैक होता है ना वो मारने वाले, ठीक है। मतलब अंदर का हमें साफ साफ दिख सके। और यहाँ पे भी हमारे स्काई ब्लू कलर आने वाला है, और यहाँ पे भी सेम स्काई ब्लू कलर आने वाला है। और जो हम रैबिट का जो ये डरवे है ना, इनको भी थोड़ा बहुत कलर बच गया तो हम इनको भी कलर कर देंगे। और हमारे जो मुर्गी है ये भी हमारे सेटअप में से जाने वाली है दोस्तों, सिर्फ हमारे सेटअप में रहने वाली है रैबिट्स। और यहाँ पे जो न्यू पेट आने वाला है वो वाला। तो दोस्तों अभी आप हमारा जो केज है उसका फाइनल लुक देख लो, ठीक है। और इसके बाद जब कलर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारे केज को तो कलर का काम चल रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ यार, कल हमने ना हमारे रैबिट्स और सारे पेट्स के जो भाई साहब जो टॉप्स वगैरह थे ना सारे मैंने धोकर रखे थे यार टेरेस पे, ठीक है। अभी अच्छे से सूख भी गए दोस्तों, अभी मैं इनको ना सारे को ना अच्छे से जमा कर देता हूँ, और अच्छे से पोछ कर मैं इनको फिर से रख देता हूँ एक रूम में। जब हमारे न्यू पिजन्स वगैरह न्यू बॉजीज वगैरह आएंगे तब हमारे यूज में आने वाले इतने सारे टॉप्स वगैरह। अभी तो कुछ यूज में नहीं यार, सिर्फ हमारे रैबिट्स है यार, बाकी जो न्यू पेट्स आने वाले हैं उसको ये लगने वाले हैं। यार विंटर सीजन कब खत्म हो गया भाई, बिल्कुल भी पता नहीं चला यार दोस्तों। भाई इतनी खतरनाक धूप है ना यार, क्या ही बताओ यार। तो चलो यार दोस्तों मैं अभी ना ये सारे ना अच्छे से जमा करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ना यार यहाँ के सारे टब वगैरह सारा कुछ मैंने उठा लिया और हमारे साइड वाले टेरेस पे शिफ्ट कर दिया। साइड वाले सॉरी गप्पी फिश रूम के साइड में हमारा एक बड़ा केज है, तो उसमें सारा मटेरियल मैंने ऐड कर दिया, जैसे हमें लगेगा वहाँ से हम ले लेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा आप केज देख सकते हो भाई, अभी ये पूरा कलर होके रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी सिर्फ है ना क्या चीज़ बाकी है, हमारा जो स्प्रे पेंट है ना वो खुद खत्म हो गया यार, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मार दिया, बट यहाँ से यहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा बाकी यार, ठीक है ना स्प्रे करंट। तो ये रॉड का हम स्प्रे पेंट बाद में मार देंगे, और बाकी हमने सारा कलर कंप्लीट कर दिया। अभी आप ही बताना भाई हमारा केज कैसा लग रहा है दोस्तों, जैसे स्प्रे पेंट आ जाएगा तो और अच्छा लगने वाला है, बट ये कल वगैरह कर देंगे, आज बहुत ज़्यादा थक गया। और हमारे दानिश भाई ध्रुव ओए क्या कर रहा है भाई, ये नीचे फेंक रहा है यार, आराम से फेंका। 1 2 3 स्टार्ट गया। दोस्तों अभी हमारा केज का तो कलर कंप्लीट हो चुका है, बट यार इसे एक दिन तो हमें पूरा सूखने के लिए छोड़ देना होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे स्प्रे पेंट आ जाएगा स्प्रे पेंट में भी हमें ऐड करना है। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, मैंने हमारे सेटअप के लिए दो सरप्राइजिंग फिशेस मंगवाई है, और वो कहाँ पे रहने वाली है, तो ये यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। एक यहाँ पे टैंक आ जाएगा, और ये ऑलरेडी है तो टैंक रेडी है हमारा, तो यहाँ पे हमें दो सेटअप बनाने हैं, ठीक है। और वो फिश कल आने वाली, तो उसका जो सेटअप है हमें आज ही बनाना है। और जो सेकंड वाला टैंक है तो ये हमारा टेरेस पे पड़ा हुआ था, बहुत दिन हो गया इसे, ठीक है ना। देखो कितनी धूल मिट्टी शार वगैरह इसे लग चुके हैं, और इसे हमें अच्छे से क्लीन भी करना है दोस्तों। तो चलो यार मैं इसे अभी जल्दी जल्दी क्लीन करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये वाला टैंक पूरा अभी क्लीन कर दिया, ये देख सकते हो भाई, इसे अच्छे से सेट कर देता हूँ मैं। अभी ये वाले टैंक की बारी, और इस टैंक में आपको पता थे यार हमारे गुरामी फिश के बच्चे थे, और वो हमारे घर पे ही ब्रीड हुए थे, आपको पता होगा दोस्तों। और बहुत सारे भाई मुझे उनका अपडेट भी पूछ रहे थे, तो अभी आपको मैं उनका अपडेट भी दे रहा हूँ यार, कितने बड़े हुए, ठीक है। 2-3 ही बचे दोस्तों, बट यार काफी ज्यादा बड़े हो गए यार ये बच्चे। यहाँ पे मैंने उनके लिए हाइडिंग स्पेस रखा था, ये वाले दिए
यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ओके हाँ जा भाई तू यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा क्यूट सा नन्नू मुन्नू सा बच्चा, ये गुरामी फिश का बच्चा है दोस्तों। तो कंप्लीट कितना बड़ा हो गया यार, ये कितना छोटा था यार, इसको कहाँ रुकूं यार मैं अभी। तो इसको है ना दोस्तों मैं हमारे गप्पी फिश के रूम में रख रहा हूँ, ये एक ही बच्चा है। जा भाई जा, ये देखो यार कितना क्यूट है यार ये। वाओ ये हमारे दोस्तों मैंने हमारे दोनों टैंक यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अभी इसमें क्या आने वाला है यार, इसमें हम रखने वाले हैं सबसे पहले ग्रेवल्स। ग्रेवल्स आपको बता दो भाई कौन से यूज करने वाले हो। ये देखो यार हमारे ग्रेवल्स पड़े हुए थे पुराने वाले, तो यही ग्रेवल्स हम यूज करने वाले। इसमें ये वाले शंख भी है भाई, आजा भाई ये देखो भाई कितना क्यूट शंख है भाई ये, है ना। तो ये शंख वगैरह पूरे हम आधे आधे कर देंगे। ध्रुव उठा भाई इसे, काफी ज्यादा भारी है, उठा जल्दी। चल अभी ना ये पूरे ना आधे आधे कर देते हैं ये वाले टैंकों में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्रेवल्स ऐड कर दिए, ये देखो यार काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और दोस्तों इसमें मैं रखने वाला हूँ लाइव प्लांट्स, जो कि ये वाले, ठीक है। ये हमारा कॉइन प्लांट हो गया और ये पता नहीं यार कौन सा प्लांट है। चलो भाई इनको मैं भी अभी रख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे रख दिए। और यहाँ पे मैं पहले पानी भर देता हूँ, फिर मैं प्लांट्स ऐड करता हूँ। दोस्तों मैंने हमारे दोनों टैंक में अभी पानी भर दिया है, ये देखो भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो न्यू वाली फिश आने वाली ना बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली दोस्तों, और मैंने उनके लिए ये वाला घर भी ऐड कर दिया। और अभी उनके लिए लाइव प्लांट्स भी ऐड कर देता हूँ यार। चलो आ जाओ भाई, ये यहाँ पे रहेगा दोस्तों। आ जा भाई, ये आ गया दोस्तों पहला वाला, ये वाला आ गया हमारा सेकंड वाला, जिसका कि मुझे नाम नहीं पता यार। ये देखो ओ यार ध्रुव ऐसे क्या है यार, ये हो जाएगा ना भाई यहाँ पे फिट करना होगा यार, ठीक है ना तू फिट कर लेना। ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, उनके लिए अपनी प्लांट्स भी हो गए और उनके लिए घर भी हो गया और उनके लिए बहुत सारी सैंड भी होगी। काफी खूबसूरत लग रहा है यार। ध्रुव मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन हो रही है यार। दोस्तों आपको पता होगा यार हमारे जो सनफ्लावर के जो प्लांट थे यार, मतलब जो फूल थे यार, कितने अच्छे खिले हुए थे यार, येल्लो 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 यार। पता नहीं यार ध्रुव ये से नीचे क्यों हो गए यार, क्या 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 हो सकता है भाई। ये इंतजार अभी खत्म हुआ भाई, उनके जो वो वेट वेट के वजह से वो नीचे आ गए, मतलब इसका जो वेट है। ओके हाँ, मतलब ये अभी कुछ काम का नहीं रह गया। नहीं नहीं अभी वो काम में आएगा। नहीं देख हाँ हाँ, ओ भाई अच्छा ये किसने निकाला है बट, ओ भाई यहाँ पे तो बीच तैयार होने लगे यार ध्रुव, हमारे काम के भाई। अच्छा मतलब इनका जो वेट है तो इसी की वजह से ये ऐसा हो गया, मतलब अभी ये बीज अभी पक जाएंगे यार। इसको फोड़ दो भाई, क्या निकलता है देखते हो यार। तो लग तो नहीं रहा है मुझे, प्रॉपर पक्का हुआ है ना। हाँ ये देखना कुछ है यार, है बहुत छोटा सा भी ये। ओके ओके ओके, छोटा सा बीज है यार दोस्तों, अभी तो पक रहा है यार। ये देखो यार इसी की वेट से वजह से ये नीचे आ गया और ये काफी ज्यादा बदसूरत दिख रहा था यार। पहले हमारे फूल इतने अच्छे अच्छे खिले हुए थे यार, ये देखो यार अभी कैसा हो गया ना नीचे। चलो कोई नहीं यार, ये देख ध्रुव इसे इधर किसने, तो मुझे ऐसा लगता है कोई बर्ड आया होगा यहाँ पे और बर्ड ने डैमेज किया है। बाकी ये देखो यार कितने भाई कितने सारे बीज निकलेंगे यार ध्रुव इसमें से, भाई साहब कितना वेट है यार इसका। और सारे फूल आप देख सकते हो दोस्तों, हाँ ना यार सारे फूल आप देख सकते हो दोस्तों कि यार सारे अभी ना इसे ये हो गए भाई नीचे, मतलब सारे सारे आने वाले बीज। हाँ वो तो अभी निकला है ना ध्रुव, कल परसों ही निकला, इसी की वजह से ऐसा। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। और इसको भी यार ये वाले प्लांट के अंदर से एक व्हाइट वाला फूल आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा है यार ये। और इनको भी रेड वाला फूल है, मतलब हमारे सारे प्लांट यार एकदम खुश के भाई यहाँ पे। और ये मेरा फेवरेट प्लांट है और इसके आप हाल भी देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे घास हो चुका है ध्रुव। अब ये सारा घास है ना हमारे रैबिट्स को दे देंगे यार, ये देखें हो गया। ये बड़ा हमारा फेवरेट प्लांट है यार, इसे ऐसे कर देने का पूरा ही हो जाता है ये। और दोस्तों हमारा जो कॉर्न वाला पौधा है ना यार, उसके भी अभी कॉर्न आ ही चुके हैं यार। ये देखो आपको दिखाता हूँ भाई मैं, देख ध्रुव इसके जो कॉर्न है ना अभी पक ही चुके, ऑलमोस्ट ये पक ही चुके हैं यार। तो ना निकाल तो भाई इसे निकाल तो, ओ भाई साहब ये देखो यार दोस्तों, ओहो ध्रुव ये जब तक सॉफ्ट है तब तक हमारे रैबिट्स को दे देते ना यार। हाँ यार निकाल ले यार, ये देखो यार ये तो पूरा पक चुका है यार। ये पकड़ ध्रुव, पकड़ 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 इसे निकाल भाई। ओ भाई साहब मैंने सोचा, भाई साहब ये देख अच्छा है भाई। चलो भाई ये हमारे ना रैबिट्स को दे देते हैं यार, रैबिट्स कहाँ गए यार। चलो भाई आ जाओ मुर्गिया तुम भी बाहर आ जाओ। ओए भाई तुम ना खाओ यार, तुम्हारे लिए नहीं है ये। और निकाल रू और निकाल, हमारे मुर्गियों को भी दे देते। चलो भाई रैबिट्स आ जाओ। ये देखो दोस्तों टोटल हमारे चार पांच कॉर्न आ ही गए यार। आ जाओ भाई ग्रे आ जा यार, तेरा फेवरेट फूड है, इसे कॉर्न बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। ये देखो कॉर्न खा रही है, खा रही है ध्रुव खा रही है, देख कितने तेजी से खा रहे भाई। ये भी लो, ये ले भाई, ये देखो यार कॉर्न कैसे खा रहे, हमारे घर के कॉर्न है दोस्तों। वाह यार बड़ा मजा आता है यार ऐसे। हाँ यार वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा है खा लो भाई। और ब्लैकी का अभी, ये ब्लैकी ना भाई हमेशा बाहर ही रहती है। और हमारा जो स्नो है ना दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे बंद करके रखा है क्योंकि स्नो हमारे बाकी के रैबिट्स को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखो भाई हमारा स्नो कैसा बैठा है भाई, किंग के जैसा। हेलो स्नो, ये देखो भाई ये बिल्कुल भी नहीं, स्नो को भी दे देते हैं खाने। चल आ जा भाई स्नो, चल ले खा ले भाई।
स्नो के ना वहाँ पे ना ज्यादा ठंडक महसूस हो रही होगी, इसी की वजह से ये अच्छे से ना गड्ढा बनाया और उसमें बैठा है भाई, ठीक है ना। हमारे सारे रैबिट्स ऐसे ही करने वाले, और हमारे सेटअप में से ना दोस्तों ब्लैकी जाने वाली है और जो ग्रे के बच्चे वो भी जाने वाले। हमारे सेटअप में सिर्फ रहने वाला है हमारा स्नो और हमारी ग्रे, और उनके लिए भाई इतना बड़ा केज रहने वाला है। देखो भाई इनका भी केज भी देख सकते हो कितना अच्छे से कलर हो चुका है, भाई सूखने में थोड़ा टाइम लेगा। देखो भाई यहाँ का जो कलर है ये अभी भी सूखा नहीं यार, ये लग गया ना भाई हाथ खराब। फिर दोस्तों हमारे जो कल सरप्राइजिंग फिश आने वाली है उसका जो टैंक सेटअप है वो तो रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे कौन सी फिश आने वाली है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना। क्या हुआ भाई और रश्मिका आ गई? अरे यार ऊपर का डोर किसने खोला यार, ये क्या करते ना यार, के टेरेस में चले जाते। चल के नीचे, अरे यार उसे ऊपर ढूंढ रहा था यार, डोर हमें बंद रखना पड़ता है यार।